सो हेलो गेमर्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका 20BGMI चैनल पे। थैंक यू फॉर 25 लाइक्स। जैसा कि आप मैंने लाइक लास्ट वीडियो पे गोल रखा था 25 लाइक्स का, आप लोग का उसी दिन 35 लाइक्स हो गए थे। और मैं अभी तक वीडियो नहीं डाला था, एग्ज़ाम्स चल रहे भाई, दो दो एग्ज़ाम्स थे, इसलिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। कल एग्ज़ाम्स नहीं है और फिर बस वही 3-4 टॉपिक कवर करूँगा। जैसे पहला टॉपिक हो गया हमारा प्री रजिस्ट्रेशन। मैं बताने वाला हूँ, मेरे पास प्री रजिस्ट्रेशन लिंक है, आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपको प्री रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि इसमें प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में बताने वाला हूँ। प्राइवेसी पॉलिसी रिलेटेड हमारा प्री रजिस्ट्रेशन लिंक होगा। अगर आप आगे वाले वीडियो में मेरा लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे आपको वो स्टेप करना पड़ेगा जब आपको वो पेज खुलेगा। तो मैं डायरेक्ट अगर आपको लिंक भेज दूंगा और लिंक को आप अगर टाइप करोगे तो आपका आएगा एरर आएगा, ये याद रखना। पहला टॉपिक ये हो गया प्राइवेसी पॉलिसी के साथ। और सेकंड टॉपिक मैं बताऊंगा ई स्पोर्ट्स के बारे में, जो वार मैनिया करा रहा है ई स्पोर्ट्स। जैसा कि आप देखे होंगे कि कल उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ था, जैसे ही हमारा प्री रजिस्ट्रेशन 18 तारीख से स्टार्ट होने वाला था, ये उसका ट्रेलर या कहो या वीडियो आया था, अनाउंसमेंट हुई थी, उसी समय उसके कुछ मिनट या आवर्स बाद वार मैनिया ने अपना ट्रेलर लॉन्च किया था। याद रखना, वार मैनिया में अपने ट्रेलर लॉन्च किया था टूर्नामेंट का। मैंने उसकी वीडियो भी डाली थी, अगर आपको चेकआउट करना है तो ऊपर लिंक आई बटन में भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वॉचआउट जरूर करना। और तीसरे टॉपिक में बात करूंगा आरसीबी के बारे में, क्या आरसीबी के साथ बीजीएमआई का कुछ रिलेशन है, या वो दोनों के बीच में कुछ होने वाला है, या अगर आपको देखने को मिलता है कि आरसीबी और बीजीएमआई से में कोई रिलेशन बन रहा है तो हो सकता है आपको आगे जाके, जैसे फ्री फायर में रोनाल्डो का कैरेक्टर आया था, हो सकता है कि बीजीएमआई में विराट कोहली का कैरेक्टर आपको देखने मिल सकता है। इसके आगे जानकारी के लिए आप इस वीडियो में बने रहे। तो लेट्स गो। तो गाइस, हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि आप प्री रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे। जैसे आप जानते होंगे कि प्राइवेसी पॉलिसी न्यू आई है, जिसमें आप पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स के बिना आप ये गेम नहीं खेल सकते, क्योंकि ये गेम रेटेड 16+ है। अगर आप तोबा, थारा मूड खराब कर दिया, मतलब 16 से कम उम्र के हैं आप और आपका नंबर भी आपका पर्सनल है, तब आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको इसमें पेरेंट्स परमिशन चाहिए, और पेरेंट्स परमिशन चाहिए तो आपको लेना ही पड़ेगा। इसलिए मैं जो प्रोसेस बताऊंगा आगे, वो उसको फॉलो ज़रूर करना। और प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में बता देता हूँ, पहला तो बता दिया, और दूसरा ये है कि आप एक दिन में जो 16 से कम उम्र के हैं, वो एक दिन में 3 घंटे से ज़्यादा गेम नहीं खेल सकते। एक दिन में आप 3 घंटे से ज़्यादा गेम नहीं खेल सकते हैं, ये फाइनल है। और अगर आप अपना एज घटा बढ़ा लिए हैं तब तो उसका कोई बात ही नहीं है, तब आप जस्ट जितना खेलता है खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप 16 से कम एज है तो आप एक दिन में 3 घंटा ही खेल पाएंगे। और तीसरी पॉलिसी जो है, वो जो 16 से कम उम्र के लिए है, वो जो है कि एक दिन में 7,000 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। पहले आप लोग सुने होंगे कि बहुत बच्चे लोग ऐसे थे जो अपना पैसा उड़ा रहे थे, मतलब लाखों लाख रुपये खर्च कर रहे थे एक ही दिन में, और उसके पेरेंट्स का अकाउंट में सारा पैसा चला जाता था, उनका पासवर्ड पता था, सारा पैसा उड़ जाता था। अब ये ऐसा नहीं हो पाए, क्योंकि एक दिन में 7,000 रुपये से ज़्यादा हम लोग खर्च कर ही नहीं पाएंगे। तो फिर अब चलिए हम बताते हैं कि आपको प्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और कैसे कैसे प्रोसेस होगा उसका। सो गाइस, पहले आप लोग जाना है प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर ओपन के बाद आपको ऊपर लोगो पे क्लिक करना है, लोगो पे क्लिक सेटिंग्स के बाद फैमिली के बाद पेरेंट्स कंट्रोल, अब पेरेंट्स कंट्रोल के बाद आपको उसको ऑन करना है, आपको वहाँ पिन डालना पड़ेगा, जो भी 1234 जो आप पिन डाल सकते हैं डाल दीजिए, उसका कन्फर्म कर लीजिए 1234। और फिर आपको जाना है ऐप में, पहले 16+ पे क्लिक करिए, अंडरस्टूड, फिर 12+ पे क्लिक करिए, फिर ये हो गया। अब आपको सेव कर देना है, और सेव करने के बाद अब मैं एक लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको आपको टैप करके फिर आप खोलिएगा तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का जो ऑफिशियल पेज टाइप प्ले स्टोर पे कहो, वो आपको देखने को फाइनली मिल जाता है। पर
पबजी नहीं यार, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का, जिसमें लिखा हुआ है क्राफ्ट टेन गोमा INC। इसको आपको पबजी मोबाइल इंडिया का आपको लोगो भी देखने को मिलता है। ये रेटेड है 16+, और यहाँ देख सकते हैं पेरेंटल कंट्रोल रेस्ट्रिक्शन डाउनलोड ऑफ इस आइटम, यहाँ ये लिखा हुआ है। और उसके आप नीचे, उसके नीचे आप देख सकेंगे कि यहाँ पे पबजी मोबाइल का बहुत सारे ये दिए हुए हैं, क्योंकि अभी ये अपडेटेड पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ये जब पबजी मोबाइल इंडिया आने वाला था तब का बना हुआ है। और इसमें दिखा रहा है कि 610 MB वगैरह वगैरह जो होगा। और अबाउट दिस गेम में आप ये सब देख ही सकते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, इसके जो मैप्स होंगे, डेप्थ एंड वैरायटी जो भी होता है सेम रहेगा, सारा चीज़ सेम रहेगा। 100 प्लेयर्स, 4v4 मैच, जो इवेंट चैलेंज, लेकिन RP आप लोग का अलग रहेगा। गाइज आप लोग का RP अलग रहेगा, RP 1 से ये शुरुआत होगा, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था, RP 1 से शुरुआत होगा इसमें। और फिर यही है कि आप अपना पूरा जो कॉन्क्रेट करना चाहते हैं, फ्रेम लेना चाहते हैं, रैंक पुश करना चाहते हैं, ये सब आप कर पाएंगे इजीली। तो गाइस हमारा सेकंड टॉपिक है ई-स्पोर्ट्स के ऊपर, जो ई-स्पोर्ट्स वॉन मैनिया ने अनाउंस किया है कि ई-स्पोर्ट्स जो जब पबजी रिलीज़ होगा उसके कुछ ही दिन बाद ये अपना ई-स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसका ट्रेलर आप ये देख सकते हैं ऊपर में चल ही रहा है। ये ट्रेलर कल 14 मई को रिलीज़ हुआ था, जैसे ही हमारा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का जो प्री रजिस्ट्रेशन अनाउंस हुआ था कि 18 तारीख से होने वाला है, इसके बाद ये हमारा ट्रेलर आपको देखने मिला था। और यहाँ आप देख सकते हैं इस फोटो में यहाँ लिखा हुआ है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया कप 2021, मीन्स BGMI कप 2021 ट्रेलर अनाउंसमेंट 12 मई। ये तो हो चुका था कल 12 बजे करीब, उसके पहले हमारा जो प्री रजिस्ट्रेशन का डेट है वो आया था, जैसे ये आपको पता ही होगा। और फिर ऐसे बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें होनी अभी बाकी है, जैसे आपको रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो रहा है, आज मैं अपलोड करूँगा ये नहीं जानता हूँ, लेकिन 15 मई से मैं बता रहा हूँ, 15 मई से के शाम 5 बजे से ये होने वाला है। और यहाँ आप देख सकते हैं वो उसका ऑफिशियल है कि कैसे कैसे आपको इसको रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब इस टूर्नामेंट में रजिस्ट्रेशन करना है, ये आप देख सकते हैं। और इसका इस वॉर मेनिया का इंस्टाग्राम मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सेकंड टॉपिक में बस इतना ही था। और बताना चाहता हूँ कि पहले आप लोग देखते होंगे कि जैसे स्ट्रीमर्स मैच होता था, स्ट्रीमर्स टूर्नामेंट, वो भी जिस दिन पबजी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया आएगा उस दिन आपको हो सकता है कि आपको ये मैच देखने को मिले, हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है, ये हो सकता है आपको ये मैच देखने को मिले। जैसे ओवैस की टीम रहती थी, स्काउट की टीम रहती थी, मॉर्टल मैक्शन वगैरह वगैरह इनकी टीम रहती थी, हो सकता है इसको भी देखने मिले। तो गाइस सेकंड टॉपिक बस इतना ही था, अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, जो है RCB के साथ कोलैबोरेशन। RCB के साथ जो सुनने में आ रहा है या देखने में आ रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि RCB के साथ शायद BGMI का कोलैबोरेशन हो रहा है या होने वाला है। अगर होने वाला होगा तो हो सकता है आपको इन फ्यूचर विराट कोहली का कैरेक्टर आपको देखने मिले, और हो सकता है गेम आए उसमें हम लोग कैरेक्टर देखने मिले। इसका कोई अभी कुछ फाइनल नहीं है। अगर आपको इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो ये देखिए ये फोटो, और यहाँ पे देखिए आपको ऊपर लेफ्ट साइड में टॉप पे आपको इरांगल का मैप देखने मिल रहा है। इससे आपको क्वाइट कंफर्म हो गया होगा कि कुछ ना कुछ RCB के साथ BGMI का कोलैबोरेशन होने वाला है। तो थर्ड टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और वीडियोज चाहिए तो इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 40 लाइक्स, शायद नहीं भी हो पाए, लेकिन इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 40 लाइक्स। 40 लाइक जल्दी जाके दबा दो, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, मेरा इंस्टा पे फॉलो कर लेना, इंस्टा देख सकते हैं नीचे IG.underscore.BGMI, इस पर जाके आप फॉलो जरूर कर लेना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।